If A n is equal to 5 minus 7 n, prove that the expression is जो दिया है एक्सप्रेशन वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ऑलराइट, एंड फाइंड एस एन मतलब एस टर्म निकालना, ठीक है। वंस अगेन एक्सप्रेशन जो है एंथ टर्म दिया है, समटाइम्स इट विल बी गिवन इन फॉर्म ऑफ ए एन और इट मे बी इन फॉर्म ऑफ पी एन, बट अल्टीमेटली क्या है, वही है टर्म सम, सम टर्म, करेक्ट। टर्म से हमें निकालना है सम। नाउ आई विल यू इन फॉर दिस, राइट, क्वेश्चन लिखो, साथ में ही करना। इफ ए एन इक्वल टू 5 माइनस 7 एन, प्रूव दैट द एक्सप्रेशन इज ए पी एंड फाइंड एस एन। सो नाउ व्हाट वी डू, वी बिगिन विद दिस 5 माइनस 7 एन, राइट, एन की वैल्यू 1 रखेंगे, एन इक्वल टू 1, दिस इज ए 1, 5 माइनस 7 इंटू 1, 5 माइनस 7 इज माइनस 2, राइट, दिस इज फर्स्ट टर्म, एन इक्वल टू 2, सेकेंड टर्म, चलो लिखो, हेलो माइक संभाल लेना, किसी का चालू है, राइट। 5 माइनस 14 वैल्यू ऑफ एन, नाउ वी गेट एन इक्वल टू 3, सो वी गेट थर्ड टर्म ए 3, 5 माइनस 7 इंटू 3, 5 माइनस 21 इज 16, माइनस सिंबल आएगा, करेक्ट। कौन है यार, देख लो क्या बार बार बोलना पड़े। दिव्या मुकाशी, माई कौन है दिव्या, आयरा लो, देखो यही होता है ना, देखा तो भी दो कौन निकले। एन इक्वल टू 1 फर्स्ट टर्म माइनस 2, एन इक्वल टू 2 सेकेंड टर्म माइनस 9, एन इक्वल टू 3 थर्ड टर्म इज माइनस 16। We want to prove that the expression is AP. AP prove करना है, तो now we will find D, common difference. But before that, it's better we do one more term. So करो n equal to 4. Value of A 4, 5 minus 7 into 4. ये बनी fourth term. So now we have 4 terms. बस अब हो जाएगा। So now we will find difference. है? हमें prove करना है this is AP. So n terms already दी है. We will show that the difference is same. अब is on हो गया किसी का माइक. अब क्रिशा पटेल मुझे यहां से ही बंद कर दे, बोलो फिर बार बार मजा नहीं आता, ठीक है, राइट। 2 माइनस 9 माइनस 16 सो ऑन, राइट। नाउ वी विल प्रूव द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज सेम,
यहाँ पे कर देंगे साइड पे, देखो यहाँ पे फॉर दिस वी राइट डिफरेंस, डिफरेंस इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज माइनस 9 माइनस 2 करेक्ट, माइनस 9 माइनus 2 दिस इज माइनस 9 प्लस 2 डिफरेंस आया माइनस 7. सेम वे बिटवीन दिस टू टर्म्स अगेन वी फाइंड डिफरेंस a3 माइनस a2 थर्ड टर्म माइनस 16 माइनस 9 माइनस 16 प्लस 9 इज माइनस 7. सेम वे यहां दो टर्म के बीच में निकालना चाहो डिफरेंस a4 माइनस a3 राइट, अगर दो आगे माइनस 7 इज द डिफरेंस एंड देन वी राइट डिफरेंस रिमेन्स द सेम. Difference remains the same. Therefore, the expression is arithmetic progression. Sign out below it. Therefore, difference remains the same. Therefore, given AP, the expression is AP. Therefore, given sequence of progression is an AP arithmetic progression. Correct. So ban gaya AP hamara. Again you write AP minus 2 minus 9 minus 16 minus 2 minus 9 minus 16 minus 23, so on, right? Now we want ascent, nth term ka addition nikalna hai. So again, from the expression, we can find A. Yahan se nikalenge A equal to minus 2. Common difference already humne aage nikala, minus 7. And now we use formula An. Sorry, ascent, nth term ka addition. So now we use the formula ascent. N by 2, 2A plus N minus 1, B. Right? And then good values. So Sn is equal to N by 2, 2 into value of A plus N minus 1, difference is minus 7. Alright? कर दो आगे सिंप्लीफिकेशन. n by 2 minus 4 minus 7 n minus minus plus 7. ओके हो गया ये एक्सप्रेशन. n by 2 दिस इज minus 7 n minus 4 plus this plus 3 ये बना एसएन. ठीक है n स्टॉप तो n के फॉर्म में आएगा. आपका एडिशन चेक कर लो. चलो सिमिलर आई एम गिविंग. Write down. Nth term of AP is 4n plus 3. Nth term of AP is 4n plus 3. Find the sum of first 16 terms, right? Sum of 16 terms means
60 निकालना है, करेक्ट? एंगस्ट्रॉम इज गिवन दिस, राइट? देखो कल हमने किया वो क्या था, सम से हमने टर्म निकाला, सम टर्म था, यहां पे टर्म है, टर्म से सम पे जाना है. सो एंथ टर्म एन इक्वल टू वन, तो वी विल गेट फर्स्ट टर्म, एन इक्वल टू टू सेकेंड टर्म, एन इक्वल टू थ्री थर्ड टर्म, तीन टर्म कम से कम निकालना, फिर ए और बी आ गया और फिर एस 60 फॉर्मूला यूज करो, राइट? शुरू करो, चलो. S n is 60 by 2 into value of a first term plus 60 minus 1 common difference is 4, correct? Ye banega value simplify 60 by 2, this is 40, this is 59 into 4. So ये बन जाएगा आगे 30 in bracket 14. Right?
is 30 into 250. ये बनेगा। ठीक है, चेक कर लो। चलो write one more. Right now, for a finite AP, first term is 2, last term is 50. If sum of all the terms, is 442, find difference. Find d, d की वैल्यू निकालनी है, correct? First term is 2, last term है 50. Sum is 442, D की वैल्यू निकालनी है। Think about it, first term A equal to 2, last term B है या A है is equal to 50, ठीक है? और sum जो है वो दिया है 442, correct? Sum S N, last term का addition है 442, D निकालना है। So, देखो AN last term formula we can use. See, AN equal to 50, value of A plus N minus 1 D is equal to 50. Right? Values rakhenge, A ki value 2 hai. So, we write it therefore 2 plus N pata nahi hai. N minus 1 D is equal to 50. सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सो व्हाट वी गेट, 2 प्लस, देख लेना थोड़ा बहुत मैं करूं, इसके बाद मैं हिंट देता हूं आपको करने के लिए, 2 प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 50, 2 प्लस n d माइनस d 50, ठीक है? 2 वहां जाएगा, 50 से माइनस हो जाएगा, सो व्हाट वी गेट, एन डी माइनस डी, 50 माइनस 2 48, ये एक एक्सप्रेशन बना, रिपीटेड रिजल्ट नंबर 1, करेक्ट? क्या किया, एन फॉर्मूला, एन इक्वल टू 50, ए की वैल्यू पता है हमें, बस एन डी हो गया या एक एक्सप्रेशन बना, इक्वेशन जैसा। Now SN formula, देखो SN is given 442, so again we use formula, SN is N by 2, 2A plus N minus 1D equal to 442, right? So SN 442 is equal to N by 2 in bracket 2 value of A, right? Question में देखो A दिया है 2, so in place of A we write 2
loss n minus 1 b, right? आगे की वैल्यूज क्या है हमें पता नहीं है. Now what we do? We will do the simplification. 4 goes this side, right? 442 becomes 884 is equal to 10 in bracket 2 into 2, 4 plus n minus 1 b, right? Yeah, but if you remove bracket, n b minus b, right? आगे की वैल्यू यहां रखनी है. देखो फर्स्ट इक्वेशन इज अबाउट एन डी माइनस डी. देखा एन डी माइनस डी वैल्यू इज 48. आगे यहां पे सिंप्लीफाई किया तो क्या हुआ, अगेन वी गेट एन डी माइनस डी, राइट. सो एन डी माइनस डी की वैल्यू हम ऊपर से रखेंगे 48. सो व्हाट वी गेट 884 इज इक्वल टू एन इंटू 4 प्लस 48. Right. हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन 884 is equal to 10, 48 and 4 is 52. 52 goes down, we will get well. We get value of 10. 884 and 52 is the value of 10. और सिंप्लीफाई करेंगे, n आ जाएगा. बस n आया, इसके बाद हम निकाल सकते हैं d. राइट right? एन की वैल्यू जो भी है यहां रखो तो डी आ जाएगा. राइट right? बढ़िया, सम शुरू हुए अभी. देखो अब जो आएंगे कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी या टाइप नहीं होगा, हर एक सम दूसरे से अलग होगा. हम क्या करेंगे, सिंपली जो वैल्यूज है वो रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, हमें कोई ना कोई हिंट मिल जाएगा कि यहां ये करे तो ये हो सकता. करेक्ट. देखो क्या किया, वंस अगेन ओनली थ्री वैल्यूज आर गिवन. फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 2, nth term is 50, Sn is 442, correct? So now what? An is 50, A plus n minus 1d equal to 50, A ki value 2 rakh di jaha pe. Simplify kiya to nd minus d, bracket remove nahi karo, toh bhi chalega, right? Yaad rakhna, similar concept we will do in prove that sums. N ya d ka expression banayenge, aur wo dusre mein rakhna. To yaha tak ho gaya, equation number 1 de diya. Now we begin with Sn. Here is the formula. A is given 2. 2 rakh diya. Correct? Plus n minus 1 d. So, wo ho gaya simplification. Yaha pe 884 by 2. 52 is the value of n. Correct? In case right? यहाँ पे उस टाइम पे आपको सपोज दूसरी फॉर्मूला याद हो, वो भी है, वी हैव Sn इज इक्वल टू n by 2 a plus l, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, l इज द लास्ट टर्म. करेक्ट. तो हो जाएगा यहाँ देखो 442 इज इक्वल टू n by 2 a, a इज द फर्स्ट टर्म व्हिच इज 2 plus l, l इज द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म ये रही 50. तो वही हुआ, देखो सिंप्लीफिकेशन. सो क्या बना, 442 इज इक्वल टू n by 2, ब्रैकेट में आएगा 52. वी वांट वैल्यू ऑफ n, तो 2 वहां जाएगा. सो 442 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 52 इज द वैल्यू ऑफ n. वन यहां सीधा आ गया. करेक्ट, सही बात है. मेरी भी स्ट्राइक पहले नहीं हुई, मैंने भी ये नॉर्मल मेथड से ही शुरू कर दिया. बट देखो लास्ट टर्म दिया है ए एन 50, फर्स्ट टर्म दिया है, हमारे पास दूसरी शॉर्टकट फॉर्मूला भी है. ये नॉर्मल मेथड है, दिस इज शॉर्टकट. एस एन एन बाई टू ए प्लस एल 442 एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो एन आएगा, और जैसे ही एन आया एन से आ जाएगा डी. कैसे, वी हैव फॉर्मूला ए एन राइट इज इक्वल टू a plus n minus 1d. ठीक है, तो nth term दिया है, a is given, n आएगा, तो यहां से d भी आ जाएगा. मेरे ख्याल से ये मेथड ही करनी पड़ेगी, आगे वाली छोड़ दो, स्टार्ट करो यहां से. राइट, Sn n by 2 a plus l.
अच्छे ना। एक मिनट रुक जा रहा अभी, हाँ बाद में लिखो। होमवर्क सबमिट नहीं किया ऐसे स्टूडेंट जो है वो बढ़ रहे हैं अभी। आज 17 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने होमवर्क नहीं किया, राइट आपको लेबर वर्क ही करना पड़ेगा। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया और जिनका लेट आया वो सभी के नेम में बोल रहा हूं। होमवर्क नॉट डन आज की डेट वाले आदित्य चौहान, अमन अजमेरी, चैतन्य गिरी, भार्गव पंचाल, भार्गव का तो शायद कोई रीजन है, ओके ओम पंड्या, ये ओम पंड्या का भी प्रॉब्लम बढ़ गया। ओम पंड्या माइक ऑन करो, नहीं नहीं उसका यहां बुलाना ही पड़ेगा। ओम पंड्या माइक ऑन करो। ये सर शाम को 5:30 बजे यहाँ आ जाना मार खाने के लिए, और कोई मुझे सुनना नहीं है, माइक बंद कर। दर्शन पाटिल, देवांश पटेल, दे पाठक, दिशा बावसर, जैनी सुथार, कार्तिक गिरी, कार्तिक सोलंकी, कृष्णा शिंदे, मैत्री पटेल, ममता टैली, श्रेयांश यादव, श्रेयांश सिन्हा, इन्होंने होमवर्क बिल्कुल किया नहीं है। जिनका लेट सबमिशन आता है वो भी मैं क्लास से पहले आता है 10 मिनट पहले, राइट मैडम को दूसरा भी काम होता है, रात को सोने से पहले होमवर्क देखना है। यहाँ पे आपके लिए बैठे नहीं रहेंगे कि जैसे आपका आया और फिर रिसीव करके ओके रिप्लाई करें। नेम बता रहा हूं लेट सबमिशन वाले, मानव खैर, लीशा शेख, साहिल राणा, दिव्या मोकाशी। दिव्या क्यों लेट आता है माइक ऑन कर दो। यस सर। वर्क अभी बहुत बिगड़ रहा है, क्यों ऐसा? तुम्हें बताया कि रात को भेजना है तो लेट क्यों आता है तेरा वर्क? सर रात तक नेट पैक खत्म हो जाता है तो सुबह तो नेट ज्यादा करवा दो वरना यहाँ रोज पनिशमेंट मिलेगी। जिंसी, निहाल डाबी, हिमांशु शर्मा, रिदम पटेल, रेहान राणा, ओवेश राणा, शिवम चौहान, इनका लेट आया, राइट। अब आपके लिए मैडम ने मुझे पहले ही बताया, मैंने ये होमवर्क रेडी रखा है, राइट तो ये जो लेट सबमिशन किया है उनके लिए मैं प्रैक्टिस वर्क से देता हूं। आज का ये होमवर्क भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस वर्क का भी करना पड़ेगा, रात को 10 बजे से पहले मैडम को भेजना है, 10:05 होने चाहिए नहीं, वरना वन बाय वन बुलाऊंगा यहां पे। क्लास पे स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है पढ़ने के लिए, बट मारने के लिए मैं बुला सकता हूं, डोंट वरी। सो ये जो है लेबर वर्क करने वाले उनके लिए लिख दो कि इनके नीम मैंने बताया वो पहले। प्रैक्टिस वर्क से इमेज भी मैं भेजता हूं, प्रैक्टिस वर्क एक्सरसाइज 5.1 एग्जाम्पल 1, वहां पे 4 sums है, लिखो ब्रैकेट में 4 sums। एग्जाम्पल 2 ब्रैकेट में लिखो 4 sums। चेक करो खबर पड़ा। देन एक्सरसाइज 5.2 sums 1 to 16, 20, 21, करेक्ट मतलब 18 sums हुए 5.2 के और 5.1 के 8 sums, सो टोटल 26 sums, राइट। अगर आपको मजदूरी ही करनी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हर रोज देता रहूंगा। सो 26 sums जिनका होमवर्क इनकम्प्लीट है या लेट सबमिशन वाले, करेक्ट। प्लस आज का जो होमवर्क मैं देता हूं वो तो करना है, आज के अगर 15 sums है तो 26 में ऐड कर लेना जितने भी है, नहीं होगा तो मैडम उसमें से सिस्टम में से डिक्लाइन कर देना, राइट। जब तक पेरेंट नहीं आया तब तक नहीं। तो अगर आपको पढ़ना नहीं है तो बोल दो क्या मजदूरी करनी है, पूर्व में सामने है आईटीआई, चले जाना मजदूरी कर लेना, राइट। आपके पेरेंट आपके लिए फीस पे करते हैं, पढ़ाने के लिए ट्राई करते हैं, हम बोले कि पढ़ो और करना ही नहीं है तो
हर एक इंसान की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है। प्रॉब्लम ये है कि मेहनत किसी को नहीं करनी होती, बिना मेहनत कैसे होगा। और टेंथ में कम मार्क आया या टेंथ पास भी नहीं किया ना, लोग खड़े भी नहीं रखेंगे साथ में, उनका क्वालिफिकेशन भी अभी तो ग्रेजुएट हो गया है, उनकी जॉब भी नहीं मिलती। पढ़ते नहीं है, बाकी जो पढ़ रहे हैं बेचारे उनको ठीक है, राइट। यहां से एन की वैल्यू आएगी, प्राची सिंह हेलो क्यों लेट आई? सर लेट नहीं आई थी, उस टाइम पे वो माइक्रोफोन डिटेक्ट नहीं हुआ था तो मेरा नेम एकदम नीचे होगा। आप जब अच्छा मेरा नेम ले रहे थे, मैंने नेम दिया था पता है होमवर्क yes, टैली करने में। ओके बोलो एन की वैल्यू। एन की वैल्यू 17 17 और फाइनल आंसर यहां पे डी इज इक्वल्स टू 3 सिंपल एन दिया है an is equals to 50 equal to 2 plus 16 d right, so this is 50 equal to 2 plus 16 d, 2 minus ho jayega wo banega 48 upon 16, value of b aa gayi 3, theek hai, चेक कर लेना ये। प्राची कल से है ना 5 मिनट पहले से ही बैठ जाना माइक्रोफोन yes, sir. करेक्ट। सो ये हुए सम्स। ओके नाउ वी हैव certain sums from exercise textbook, open a textbook, right? आगे पीछे book है तो खड़े हो जाओ, दे दो। Textual sums. Exercise 5.3. Exercise 5.3. Correct? कुछ sums में मैं hint दे दूंगा, कुछ करने पड़ेंगे, कुछ illustration जैसे होंगे वो भी करेंगे। चल 5.3 मेन क्वेश्चन 1 देखो, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एबीस, राइट। मेन क्वेश्चन 1, फाइंड द सम, राइट, फाइंड द सम, प्रोग्रेशन का एडिशन निकालना, राइट। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 7, 12 up to 10 terms, right? 10 term tak ka uska addition means what you will do, you will find S10, theek hai, is tarah hint deta hu, ho jayega S10 10 term tak ka addition। Main question 2 dekho, क्वेश्चन 2 वाले, ठीक है, जैसे इस तरह का सम देखो, याद रखना गाड़ी वाले सम्स, राइट। एग्जांपल दिया था ट्रेन जा रही है, डिब्बे है, एक एक डिब्बे में 50 क्विंटल जो है लगेज है, वी वांट टू फाइंड टोटल क्वांटिटी, तो पहले तो कितने डिब्बे है वो निकालने पड़ेंगे, गॉट इट। सो प्लस 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 से जो जुड़े हुए, व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड एन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन
First question is 7 plus 10 and half plus 14, so on. 84. Correct? So what we will do? First thing is to find n. So n ke liye sabse pehle aayega a 7 common difference. 10 minus 7, 3.5. 10 and half means you write 10.5 like that. Last term is given an equal to 84. Got it? An is 84. Aur hame value nikalni hai. Expression jo hai wo n. N to question mark. Alright? N, A, D, A, N. एल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बस सिंप्लीफिकेशन शुरू कर देंगे फिर हो जाएगा कर दो ये फर्स्ट वन चलो एग्जाम्पल टू फर्स्ट वन राइट 3.5 है सिंप्लीफाई कर देंगे 84 इज 7 एन इंटू 3.5 इट इज 3.5 एन माइनस 3.5 7 माइनस 3.5 3.5 इट गोज द अदर साइड 7 माइनस 3.5 इज 3.5 प्लस 3.5n 3.5 goes this side 84 से minus हो जाएगा 3.5n और n की वैल्यू आएगी 80.5 divided by 3.5 is the value of n right tens में convert करो फ्रैक्शन में और सिंप्लीफाई कर दो n equal to 23.
Now, say 5.3 exercise. Main question 3 में बहुत सारे sums हैं. आपके लिए देता हूं, आप try करेंगे, right? But besides this, homework में नहीं देता, try करना. कल मुझे सब करा नहीं है यहाँ पे. Fourth onwards देखो. चल, main question 4. How many terms? Sorry. How many terms of AP must be taken to give sum 636? Correct. Means क्या है? SN is given. समझो. Example 4. हमने किया है. How many terms add up to 636? 9, 17, 25, so on. Add up to 636. किया इस तरह. Correct. Means what? SN is given. This is A. We will get B. This is value of SN. 636. और N की value निकाल दी. ठीक है? बस तो हो जाएगा N की value. SN, A और D रख के. लिख दो ही. Homework में ही देना है. जिनको आगे imposition दिया, ज्यादा work है. कोई बीमार नहीं होना, ये कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए. हाँ, किसी के पेरेंट की लीव नोट या फिर फोन आना नहीं चाहिए. मेरे पिंटू का हेडेक हो गया इसलिए होमवर्क नहीं किया. पिंटू को पता है, पिंटू हो या पिंटी, होमवर्क क्यों नहीं करते हो? चाहिए रात को 10 बजे से पहले. जिंदगी में मजदूरी करनी है तो बोल दो अभी से पेरेंट को, मुझे मामो बनाई दो. मामा लोग होते हैं ना, मजदूरी कर लेना. इसमें क्या, पहले से बोल देना. चल राइट, तीन लिखते रहना. एग्जाम्पल नंबर 5. फर्स्ट टर्म ऑफ एपी 5. एक मिनट, चल आप में से किसी को कहता हूं पढ़ने के लिए. बहुत पढ़ लिया मैंने. यस, चल रेणुका. हेलो. फिफ्थ वन. हाँ सर. द फर्स्ट फोन कर रही है, ऐसा कर रही है. हाँ, फोन है तो सामने वाले को हेलो बोलेंगे. हाँ सर. द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस. करेक्ट, जो अभी किया वही है. देखो सेम टाइम, फर्स्ट टर्म इज 5, सो ए इक्वल टू 5, एन इक्वल टू 45, एन 45, राइट. लास्ट टर्म एन बी कहते हैं. SN is 400. SN equal to 400. ठीक है. Find number of terms हो जाएगा. Correct. We have formula SN is equal to N by 2 A plus N. Right. We will get N number of terms आ जाएगा. और इसके बाद आ जाएगा difference D. D is question mark. ठीक है, कर दो. चलो लिख दो. फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म है ना, तो समझ जाना. ये शॉर्ट मेथड सर ने भी लंबी मेथड शुरू कर दी थी, बाद में लाइट हुई. राइट, तो मुझे बाद में लाइट हुई, आपको पहले लाइट हो जाएगी. ये सोच के कि सर को लाइट बाद में हुई, आपको पहले हो जाएगी. कई बार कुछ उल्टा होता है, वो जल्दी याद रहता है. ओके, चलो एग्जाम्पल नंबर 6. आयुष राणा, read question 6th one. Yes sir. The first and the last term of an AP are 16 and 350 respectively.
If the common difference is 9, how many terms and what is their sum? Okay, right. ये करेंगे चलो. Write down list. First term A is 17. Last term is 350. Right. So A n यहाँ पर n की value normally 350. Right. Common difference is 9. D equal to 9. Right. How many terms are there? Find their sum. How many terms? N equal to question mark. Or S n. जितनी भी n की value है वहाँ तक का question mark. Correct. First term difference, last term are given, तो n की value हो जाएगी, right? N की value के लिए क्या करेंगे? Use an formula. चलो शुरू करो. ठीक है, जो values दी है, देखो mix sums में खास याद रखो, जो value दी है सभी वो रखनी है, वो formula use करनी है. An 350 A plus n minus 1, difference is 9. कौन है माइक वाला? दिव्यांश राठी, एन की वैल्यू बताओ. N equals to 38. 38. Check that. Okay. Value of N 38. और N 38 है, इसके बाद हम निकालेंगे वहां तक का addition. That is SN. Now last term is given. SN equal to use the formulas. Secret shortcut formula. A plus L. So S 38 is n by 2, 38 by 2, a, first term, and last term is 350, first term is 70, right, and then you will get the simplification. बोलो देवांशु, आंसर आ गया होगा. 6973. चलो नाउ दीप मेहता माइक ऑन करो. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ वन. यस सर. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149. ऑलराइट, डिफरेंस इज 7, 22nd टर्म, राइट, that is A 22 दिया है,
149, डिफरेंस इज 7. चलो अब आप ही सोचते रहो आगे के सम्स, ठीक है? मिक्स सम्स ही आएंगे ऐसे उल्टे पुल्टे कोई ना कोई. Sum of first 22 terms AP B equal to 7 and 22nd term. 22nd term matlab n aa gaya hai. N is equal to 22. Theek hai? Bolo kuch idea hai andar? Hand raise ka option hai. Chalo hand raise karna. सिया बोरा बोलो माइक ऑन करो. यस सर. क्या करेंगे सर इसमें? एन वाली एन वाली फॉर्मूला यूज करेंगे तो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 बी. ठीक है ए एन इज गिवन राइट ए बी वन एन इज गिवन बी इज गिवन है तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी करेक्ट. शुरू करो चलो. गुड. अब थोड़े आइडियाज लगाते रहे आगे पीछे. बस हैंड रेस किया वो डाउन भी कर देना नेक्स्ट में देखेंगे. अरे यार प्रियंका क्या कर रही है? पढ़ने में ध्यान ही नहीं है. माइक ऑन हो जाता है. आज के दिन बार बार बोलना पड़ता. 149 ए यहां आएगा 21 × 7. 21 147 बनेगा. साइक्लोटिकली वैल्यू ऑफ ए 2 आएगा देखो. करेक्ट. नाउ वी हैव वैल्यू ऑफ ए. क्या फाइंड करना है देखो. नाउ फर्स्ट सम फाइंड करना है राइट. सो नाउ यू फाइंड एस 22. लास्ट टर्म भी है एन 149 एन बाई 2 ए प्लस एल एस 22 इज 22 बाई 2 ए फर्स्ट टर्म इज 2 प्लस लास्ट टर्म 149. बोलो सिया आंसर आ गया होगा. माइक ऑन करो. यस सर 1661. नाउ सी 81 प्रियंका मैडा माइक ऑन करो. चलो अब find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third term are 14 and 18 respectively.
बट मैंने तो ऐसा कहा नहीं, क्वेश्चन ही पढ़ना है तुम्हें, कोई बात नहीं। चलो एट वन, राइट, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स मींस वी वांट एस 51। Now two values are given. Second term and third term, 14 and 18. A2, 14. A3, 18. Right? कोई भी दो consecutive terms है, वहां से आएगा D. 18 minus 14 is 4. Value of D. Find करना है हमें sum. D आ गया second, third. करेक्ट, क्या करेंगे बोलो प्रियंका। डी आ गया, सेकंड टर्म है हमारे पास, सेकंड टर्म इज 14, थर्ड टर्म इज 18 है, चार का डिफरेंस है तो प्लस 4, 18 के बाद की टर्म है तो प्लस 4, 22, बट हमें तो फर्स्ट टर्म चाहिए। रेखा फर्स्ट टर्म कैसे आएगी बोलो, यहां जाना है तो प्लस, तो इससे 4 माइनस करें तो आ जाएगी आगे की टर्म, तो 14 है, उसके आगे की टर्म आएगी 10। अगर हम उल्टा गए तो वी विल डू माइनस 4, बट इस साइड जाना है तो प्लस प्लस, तो आगे वाली माइनस करने से हो जाएगी, तो नाउ वी हैव फर्स्ट टर्म इज 10, right? So A equal to 10, difference is 4, last term hai hamari 51 ka addition, bas A aur D aa gaya, now you can find S51, right? So S51 is question mark, SN ki normal formula use karo, ho jayega chalo, SN, शॉर्टकट वाले नहीं, लास्ट टर्म नहीं है हमारे पास, नॉर्मल फॉर्मूला। प्रियंका यू नेक्स्ट स्टेप, एसएन फॉर्मूला और स्टेप्स बोलो कितना भी किया वो। बोलो प्रियंका, S51 इज इक्वल टू n बाय 2 2 इनटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इनटू 4। इनटू 4, यस, वेरी गुड, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 51 बाय 2, दिस इज 10 इनटू 2, ये बनेगा 20, 51 बाय 2 इन ब्रैकेट इट इज 20, 51 माइनस 1 50 इनटू 4। ब्रेकर फाइनल आंसर आ गया नहीं सर? ओके, गिव नेक्स्ट स्टेप, सर फिर करते हैं। बोलो नेक्स्ट, 20 प्लस 200
right. So ये बनेगा 51/2, 220 बस एक एक कट करो और वो बना सिंप्लीफिकेशन का मल्टीप्लीकेशन हो गया शरण आंसर बोलो शरण बट Yes, sir. Answer is 5610. तेरा पता नहीं माइक बहुत ही दूर होता है आवाज बहुत कम आती है फिर से बोलो सर आंसर इज 5610. चेक कर ठीक है होमवर्क जिनको इम्पोजिशन दिया है वो 26 सम्स प्लस ये ओपर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 5.3 एग्जाम्पल नंबर 1 देयर आर टोटल 4 सम्स एग्जाम्पल 2-3 सम्स करेक्ट एंड आफ्टर दैट एग्जाम्पल 4 से लेके दिस एग्जाम्पल 8 एग्जाम्पल 9 ठीक है ये तो होमवर्क हो ही जाएगा मैंने सब कराए हुए है हिंट दे दी है बट इसके बाद राइट एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो सोच के रखना एग्जाम्पल 2 में 10 सम्स है राइट कुछ एकदम सिंपल है बट हर एक में अलग अलग टेक्निक आएगी राइट सो ये जो है एग्जाम्पल 2 गो थ्रू करना किसी को पता चला थोड़े बहुत ट्राई हो गए तो कर देना बट मैं कराऊंगा सभी 10 सम्स ठीक है 4 और 3 और ये 4 to 9 जिनको कहा कंपलसरी करना ही पड़े राइट कोई ऑप्शन नहीं है अगर आपको मजदूरी करनी है मैं कराऊंगा नो प्रॉब्लम ओके आओ जो बाय बाय सर बाय सर 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 हेलो सर सर एक मिनट वन बाय वन हो तो